अब ये मांग करते हैं कि आज अगर धर्म की रक्षा किसी ने किया हो तो क्षत्रिय ने की है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय धर्म है, धर्म की रक्षा करता है। आज ये नरसिंह हत्या हुई है, आज से 5 साल पूर्व भी एक अनंतपाल को मारा गया था, लेकिन आज ये दोबारा घटना हुई है। ये बड़ी शर्मनाक है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वर्तमान अभी तो बनी नहीं है वो कार्यवाहक है, उनसे सिक्योरिटी भी मांगी गई थी, उनको दी नहीं गई। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह अगर हमारे समाज की हत्या होगी तो ये समझ लीजिएगा कि फिर कोई राजनीति राजस्थान या कोई पूरे भारत में कर नहीं पाए। इसलिए मेरा ये आग्रह है आज के ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से कि हमारे राष्ट्रपति के नाम जो हमने ज्ञापन दिया है, कृपया उसको संज्ञान लें और उनको तत्काल या तो एनकाउंटर करें, अगर वो मिल गए तो एनकाउंटर करें, जजों का आयोग गठित करें जिसका स्पीडी रिकवरी हो, और स्पीडी रिकवरी के साथ साथ उन लोगों को फांसी की सजा दी जाए जिससे कि लोगों को न्याय मिल सके और उनके परिजनों को सुरक्षा दी जाए, एक परिवार के लड़के को सरकारी नौकरी दी जाए और उनको धनावश्यकता हो तो अगर आर्थिक सहायता भी सरकार देने का काम करे। ये हमारी प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, होने वाले मुख्यमंत्री से, सभी से ये दरखास्त है। और इस तरह की कहीं भी कोई घटना किसी भी प्रांत में होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही, यहाँ एक धर्म की बात हो रही है। धर्म की रक्षा क्षत्रिय करता है, गौ की ब्राह्मण की क्षत्रिय रक्षा करने का संकल्प हमारे समाज ने ले रखा है। हम हमेशा क्षत्रिय जो जाति है वो हमेशा धर्म की रक्षा करता आया है, चाहे वो सामाजिक त्रुटि हो, चाहे आर्थिक त्रुटि हो, चाहे राजनीतिक क्षति हो, तो सबकी रक्षा क्षत्रिय समाज करता है। तो मेरा सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ इसमें आयोजन में उपस्थित हुए हैं, और खासतौर से नौजवानों को, क्योंकि नौजवान ही देश की स्थिति को बदलना है। आज मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं माननीय विधायक जी से कहूंगा कि ये भी दो शब्द